अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बेटा आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम, राहिमा सलाम कर रही हैं। वालेकुम अस्सलाम आमना, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है जी, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है बेटा। वी आर स्टार्टिंग द क्लास। तो आपको याद होगा कि पिछले वीक जो हमारी क्लास चल रही थी, तो हमने डेरिवेशन कंप्लीट की थी इलास्टिक कोलिजन, हमने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन की डेरिवेशन कंप्लीट की थी। और फिर मैंने आपको बताया था कि उसमें टोटल फोर केसेस होते हैं, और उन फोर केसेस में से हमने केस नंबर वन पिछली क्लास में कंप्लीट किया था। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को याद होगा। और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि ये जो केसेस हैं, मैंने आपको ये भी बता दिया था कि ये जो केसेस हैं ये डेरिवेशन में शामिल नहीं होते, ये एग्जाम्स में अलग से आते हैं। और मैं रिपीट भी ये बात कर दूं कि मैंने बताया था कि डेरिवेशन जो है वो लॉन्ग वाले सेक्शन में आती है, जिसमें क्वेश्चन सेक्शन सी होता है, लॉन्ग वाला सेक्शन, जिसमें तमाम टॉपिक सात नंबर के आते हैं। और जो बी सेक्शन होता है वो शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है। तो ये जो केसेस हैं ये शॉर्ट में आते हैं, यानी चार नंबर में आते हैं, और चार में से कोई से दो केस आ सकते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि ये केसेस अपने नंबर से नहीं आएंगे कि भाई केस वन करें या टू करें या थ्री करें, इसमें एक स्टेटमेंट होता है वो आएगा, और फिर उस स्टेटमेंट के मुताबिक जो दोनों फॉर्मूले हमने बनाए हुए थे, कौन कौन से दोनों, जो दोनों फॉर्मूले हमने बनाए हुए थे V1 का और V2 का, हमें उसको उसके हिसाब से पुट करके फॉर्मूले को नया शेप देना होगा। तो पिछली क्लास में, लास्ट क्लास में हम केस नंबर वन कर चुके हैं, और अब हम कर रहे हैं केस नंबर टू। केस नंबर टू का जो स्टेटमेंट है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए, केस नंबर टू का स्टेटमेंट क्या है? इफ द मासेज ऑफ बोथ बॉडीज आर इक्वल एंड बॉडी बी इज इनिशियली एट रेस्ट। अगर आप देखें इसमें, तो आधा है जो इसका हिस्सा है, कहां तक? इफ द मासेज ऑफ बोथ बॉडीज आर इक्वल, यहां तक तो केस वन में भी था। आगे जो बात इसमें ऐड की गई है, तो वो अब इसमें एक नई बात शामिल हो गई है, तो ये केस टू बन गया है। जो हमारा केस वन था उसका स्टेटमेंट ये था कि दोनों बॉडीज के मासेज इक्वल होंगे। तो आपको याद होगा कि हमने लेट किया था कि दोनों बॉडीज के जो मासेज हैं, यानी जो M1 और M2 है, दोनों M के इक्वल है। तो हमने फॉर्मूले में जहां जहां पर M1 और M2 था, दोनों की जगह पे M पुट किया था। ये आपको याद होगा अगर आप लास्ट क्लास में थे। अगली बात इसमें ये पढ़ाई गई है कि एंड बॉडी बी इज इनिशियली एट रेस्ट। इनिशियली का मतलब है टकराने से पहले। तो इसका मतलब है कि टकराने से पहले जो पीछे वाली बॉडी है A, वो तो चल रही है, लेकिन जो आगे वाली बॉडी है वो रेस्ट में है, टकराने के बाद चलेगी, वो पहले रेस्ट में है। तो इसका मतलब है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। तो आपको याद होगा कि जो बॉडी ए होती है, इसमें जो बॉडी ए होती है उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है U1, और बी की इनिशियल वेलोसिटी होती है U2, फिर कोलिजन के बाद V1 और V2 हो जाती है। तो इसका मतलब है कि इसमें दो चीजें पुट करनी पड़ेंगी। एक तो यह पुट करना पड़ेगा कि M1 और M2 दोनों M के इक्वल है, दोनों की जगह M रखना पड़ेगा, जैसा केस वन में था वो तो करना पड़ेगा। और जहां पर U2 होगा वहां पर जीरो रखना पड़ेगा, और जहां U1 होगा वो वैसे ही अपनी जगह पर मौजूद होगा। ठीक है, U2 क्यों जीरो रखना पड़ेगा? क्योंकि U2 क्या है? बॉडी बी की इनिशियल वेलोसिटी। तो चूंकि रेस्ट में है इसलिए वो जीरो होगी। तो आपको मैं इसमें दिखाता हूं, देखिए देखिए, यहां पर मैंने मेंशन किया, यहां मैंने क्या मेंशन किया भाई, कि लेट द मास ऑफ बोथ बॉडीज इज एम। ये तो वही वाली बात है जो पिछले केस में थी। अब यहां से नई बात है, सिंस बॉडी बी इज इनिशियली एट रेस्ट, देयरफॉर U2 इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया दो काम करने हैं, U2 की जगह जीरो रखना है, U1 की जगह U1 ही रहेगा, और M1 M2 दोनों की जगह M रखना है। तो आप आगे देखिए, देखिए ऐसे ही सॉल्व किया इसको। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं, ये V1 का फॉर्मूला लगाया है। देखिए, जहां जहां M1 M2 है, ये M1 M2, ये M2, ये M1 M2, इन सबकी जगह तो आप देखें M रख दिया, सबकी जगह M रख दिया। और फिर आप देखें U1 को कुछ नहीं किया, U1 वैसे ही है, और जहां पे U2 है उसकी जगह देख सकते हैं जीरो रख दिया। ठीक है, अब आप देखिए ये M-M जीरो हो जाएगा, और U1 अपनी जगह मौजूद है, और यहां पर जब ये 0 2M से मल्टीप्लाई होगा तो ये जीरो हो जाएगा, और नीचे M+M 2M हो जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद आप देखिए कि जब ये 0 U1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, और आगे भी प्लस जीरो है, तो इसका मतलब है ऊपर की पूरी वैल्यू जीरो आ जाएगी, और नीचे 2m मौजूद है, और जब आप जीरो को 2m से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर जो होगा वही होगा V1 का, कि V1 इक्वल टू जीरो। तो केस टू में जो पहली वैल्यू है V1 की वो जीरो आएगी,
और इसी तरह हम जो है ना वी टू भी आगे निकाल लेंगे, वो भी दिखा देते हैं आपको, फिर आप नोट कर लीजिएगा, वो भी दिखा देते हैं आपको। ये देखिए ये वी टू है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी वैसे ही किया है, देखिए वही वी टू का फॉर्मूला लगाया, देखिए ये सब जगह, देखिए ये सब जगह एम रख दिया, ये देखिए सारी जगह पे एम रख दिया, ये एम आ गया, और ये यू टू आ रहा है यहाँ पे जीरो, और यू वन अपनी जगह मौजूद है। अब वैसे ही देखिए ये एम माइनस एम जीरो हो गया और एक जीरो बाहर मौजूद है, और नीचे देखिए एम प्लस एम टू एम हो गया और ये टू एम यू वन अपनी जगह मौजूद है। ठीक है, ये दोनों जीरो मल्टीप्लाई होंगे तो ये जीरो आ गया और ये टू एम यू वन एज इट इज आ गया, और नीचे जो है वो टू एम मौजूद है। ठीक है, तो जब ये टू एम यू वन जीरो में एड होगा तो ऊपर आएगा टू एम यू वन और नीचे टू एम है, तो ये टू एम से टू एम कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह वी टू का जो आंसर आएगा इसमें वो आएगा यू वन। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, अगर कोई बात है तो आप पूछ लें, तो मैं आपको पिछली साइड पे ले जाता हूँ, पहले आप वी वन कर लें फिर वी टू कर लें। आप नोट करें, इस दौरान आपको अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे रिप्लाई कर दें, समझ आ गया आप लोग को, जरा मुझे रिप्लाई कर दें। आमना कहती है क्लियर है, आमना अकरम ने मुझे कहा कि क्लियर है, और मुझे बता दें बाकी लोग, जोहा कह रही है क्लियर है, हुमा कह रही है क्लियर है, और सब कह रहे हैं, निशा, निशा कह रही है नो सर, निशा ने कहा नो, सिर्फ एक ने कहा है, निशा को क्लियर नहीं है, तो बाकी सब कह रहे हैं यस। आप मुझे निशा बता दें, हाँ निशा मुझे, अच्छा निशा मुझे बता दें क्या बात समझ नहीं आई, बाकी सब तो कह रहे हैं क्लियर है, बाकी सब काम शुरू करें, निशा आप मुझे बताएं क्या समझ नहीं आया। अच्छा, मुस्कान कहती है सर स्टेटमेंट से दोबारा समझा दे, मैंने क्लास अभी ज्वाइन की है। अच्छा, और बाकी निशा आप बता दें आपको क्या समझ नहीं आया, निशा अफजल स्टार्टिंग से बता दें। अच्छा देखिए, आप दोनों के लिए ये है कि आप स्टेटमेंट देख सकते हैं, स्टेटमेंट आपके सामने है कि भाई स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं कि दोनों बॉडीज के मासेज इक्वल है, इफ द मासेज ऑफ बोथ बॉडीज आर इक्वल, यहां तक केस वन में भी था, अगर आपने पिछली क्लास अटेंड की है तो आपने देखा होगा कि ये केस वन का स्टेटमेंट था, और एंड के बाद इसमें बात बढ़ाई गई है ना। ठीक है, आपने कहा यस, तो और अच्छा, अनुषा कहती है सर एंड के स्टेप्स बता दें, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ बता दूंगा, बता दूंगा, तो व्हाट आई वाज सेइंग, हाँ तो मैं कह रहा था कि यहां तक तो आपने केस वन में भी देखा हुआ था, एंड के बाद इसमें बात एड की, दोनों बॉडीज के मासेज इक्वल है, तो जैसे केस वन में किया था एम वन और एम टू दोनों को एम के इक्वल ले लेंगे और दोनों की जगह एम रख देंगे, और चूंकि बॉडी बी इनिशियली रेस्ट में है, तो देखें जो दो बॉडीज होती है ना, ये वाली बॉडी ए होती है और आगे वाली जो होती है वो बी होती है। ठीक है जी, इसकी वेलोसिटी पहले होती है यू वन और इसकी जो होती है वो यू टू होती है। अब वो कह रहे हैं कि जो बॉडी बी है वो इनिशियली रेस्ट में, इनिशियली का मतलब है अभी टकराने से पहले, तो इसका मतलब है ये वाली वेलोसिटी, ये वाली जो बॉडी है ए, ये तो जा रही है यू वन वेलोसिटी से, ये रेस्ट में है, तो इसका मतलब है यू टू क्या होगा, जीरो। हाँ जब ये इसको हिट कर देगी तो हिट करने के बाद फिर ये वाली भी चल पड़ेगी, लेकिन हिट करने से पहले ये रेस्ट में है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी बॉडी बी की यू टू वो जीरो ली जाएगी। तो दो चीजें हमने इसमें पुट की है, यू टू की जगह जीरो रखा है और एम वन एम टू की जगह एम रखा है, क्यों, क्योंकि मासेस सेम है, तो आप देख लीजिए ये M1 M2 है, ये देखिए सबकी जगह M रखा है, ये देखिए, ठीक है जी, और ये देखिए ये U2 है, इसकी जगह जीरो रखा है, U1 को कुछ नहीं करना वो वैसे ही रहेगा। आगे देख लीजिए ये M माइनस M जो है जीरो हो जाएगा, और यहां पर ये जीरो टू एम से मल्टीप्लाई होगा तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, और फिर ये जीरो U1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी जीरो होगा, और आगे प्लस जीरो है तो ऊपर की पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, और नीचे एम प्लस एम टू एम हो जाएगा, तो जब आप जीरो को टू एम से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वी वन का वो जीरो है। तो अब आप मुझे बता दें कि वी वन तक समझ आ गया आपको, निशा और एक और बच्ची थी, ठीक है, मुस्कान कह रही है क्लियर है और निशा कह रही है क्लियर है, ठीक है, तो वी वन तक आप नोट कर लें, फिर इसी तरह वी टू भी इंशाल्लाह समझ आ जाएगा।
हाँ भाई कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कर लिया है, ठीक है आगे चलते हैं, कोई रह गया तो बता दे, मैं आगे जा रहा हूँ। ठीक है, इसका वी टू भी निकाल लेते हैं। अच्छा मुझे किंजा कह रही है वेट, एक और कह रही है वेट, ठीक है बेटा वापस जाते चले भाई। दो बच्चे मुझे कह रहे हैं वेट, एक किंजा और एक और बच्ची है, तो मैं वापस चला गया हूँ। वो सेट दैट किंजा और आयशा कह रही हैं, ठीक है आप दोनों कर लें, 1 मिनट दे रहा हूँ आपको। ठीक है बोले भाई, जो दो लोगों ने मुझे रोका है, तो आयशा ने तो कर लिया और किन्सा आप भी बता दें तो मैं आगे जाऊं। बोले भाई किन्सा, आपकी वजह से हम रुके हुए हैं। ठीक है कर लिया, आगे चलते हैं। ये देख लें आप लोग, अगर कुछ पूछना चाहे तो पूछ लें, वैसे ही पुट किया है तो उम्मीद तो है कि समझ आ जाएगा। अगर किसी को कोई बात पूछनी हो तो आप देख लें, वही M1 M2 की जगह M रखा है और U2 की जगह 0 रखा है, तो आप देख लें इसको, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, अगर कोई सवाल पूछना है दोबारा तो पूछ लें। अच्छा मुझे आयशा कहती है सर फोर्थ स्टेप में, अच्छा फोर्थ स्टेप में क्या पूछना है बताएं मुझे, फोर्थ स्टेप कौन सा है, मैं कहाँ से काउंट करूँ। फोर्थ स्टेप मेरे हिसाब से होगा ये वाला, 1 2 3 4, ये है मेरे हिसाब से, ये बन रहा है यही वाला जिसको मैंने सर्किल आउट किया। अच्छा उसमें हाँ वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है बेटा, ये सही कह रही है कि इसमें M1 क्यों है। प्लीज जरा समझ ले, यहाँ पे M1 नहीं है, ये मिस्टेक हो गई है, ये है 0+2MU1, ये ऐसे है इस तरह, ये जो M1 आ गया ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, गलती से M1 आ गया, ये ऊपर से देखिए 2MU1 आ रहा था, ये ऐसे ही आएगा यहाँ, तो ये गलती से जो है ना वो M1 हो गया था। ठीक है जी। अच्छा उससे पहले आप कह रही हैं, आयशा कह रही है नहीं उससे पहले, हाँ ठीक है वो समझ आ गया उनको, ठीक है उन्होंने ओके कर दिया, तो ये बाय मिस्टेक जो है ना हो गया था। ठीक है, काफी लोग मुझे कह रहे हैं कि कर लिया है तो मैं आगे जाता हूं। ठीक है भाई अब मैं आगे जा रहा हूं, लेकिन आयशा कह रही है नो सर नहीं किया इन्होंने अभी। ठीक है कर लें भाई कर लें, आपके पास 1 मिनट है। हाँ भाई
कौन रह गया? बाकी सब तो कर चुके हैं। आयशा आप बताइए, आयशा मुस्कान आप बताइए, तो हम आगे जाएंगे। ठीक है भाई, इन्होंने भी कर लिया तो हम आगे चलते हैं। अब इसके बाद हमारा आएगा केस नंबर थ्री। केस नंबर थ्री को थोड़ा पहले समझेंगे, उसके बाद नोट करेंगे, पहले समझ लें इसे। अच्छा जी, अब जरा सब समझिए। केस नंबर थ्री है कि व्हेन अ लाइट बॉडी कोलाइड्स विद अ मैसिव बॉडी एट रेस्ट, क्या हो रहा है? वो कह रहे हैं कि पहली बॉडी बहुत लाइट है। आप देखिए, ये बॉडी मैंने हल्की बनाई है, ये वाली मैंने हल्की बनाई है, और इसके मुकाबले में ये बहुत ज्यादा भारी बनाई है। तो पहली बॉडी लाइट है, हल्की है, बहुत छोटी है, और ये टकरा रही है दूसरी बॉडी से, यानी जो बी है वो मैसिव है। मैसिव का मतलब है पहली के मुकाबले में बहुत ज्यादा हैवी और रेस्ट में भी है। तो दूसरी बॉडी में दो खासियतें, एक तो ये मासिव बहुत है, इसका मास बहुत ज्यादा है, और दूसरे ये रेस्ट में है, तो इसलिए आप देख सकते हैं कि U20 है। ठीक है, U20 है, और M2 बहुत ज्यादा है किसके मुकाबले में? M1 के मुकाबले में। और जो पहली बॉडी है वो मूव कर रही है, तो वो वेलोसिटी उसकी U1 ही मानी जाएगी, और उसका मास M1। अब यहां पे देखिए मैंने क्या लिखा है, यहां देखिए मैंने लिखा है कि सिंस M1 इज वेरी वेरी लेस देन M2। देखो, अगर मैं इस तरह लिखूं, अगर मैं ऐसे लिखूं तो इसे पढ़ेंगे M1 इज लेस देन M2, ठीक है। लेकिन जब मैं ऐसे लिखता हूं, इस तरह, इस साइन को मैं दो तीन दफा बनाऊं, तो हम पढ़ेंगे M1 इज वेरी वेरी लेस देन M2। अब देखो, फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में भी होता है और फिजिक्स में भी होता है कि अगर एक चीज के मुकाबले में दूसरी चीज बहुत कम है तो जो चीज बहुत कम होती है उसको निग्लेक्ट कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर देखो, अगर मैं लिखूं 2 और 2 के सामने मैं लिखता हूं, फर्ज कर लो, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं 20। अब देखो, 20 के मुकाबले में 2 कम है, लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं। लेकिन अगर फर्ज करो मैं 2 के सामने लिख देता हूं 2000, अब 2000 के मुकाबले में 2 क्या है? बहुत कम है। अगर मैं 2 और 20 को कंपेयर करूंगा तो मैं बोलूंगा 2 इज लेस देन 20। लेकिन अगर मैं 2 और 2000 को कंपेयर करूंगा तो मैं बोलूंगा 2 इज वेरी वेरी लेस देन 2000। तो 20 के मुकाबले में तो 2 को निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन 2000 के मुकाबले में 2 को निग्लेक्ट किया जा सकता है। तो मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में तरीका यह है कि अगर एक वैल्यू बहुत ज्यादा हो और उसके मुकाबले में दूसरी वैल्यू बहुत कम हो, तो जो बहुत कम होती है उसको निग्लेक्ट कर दिया जाता है, और निग्लेक्ट करने का मतलब है कि उसकी जगह जीरो रख दिया जाता है। तो अब चूंकि यहाँ पर पहली बॉडी बहुत हल्की है, बहुत छोटी है, और उसके मुकाबले में दूसरी, ये तो हमने फिगर में इतनी बड़ी बना दी है क्योंकि जगह हमारे पास ज्यादा नहीं होती, वरना दूसरी बॉडी बहुत ज्यादा बड़ी होगी किसके मुकाबले में? पहली के मुकाबले में। ये हमने कैसे पहचाना कि यहाँ पे वर्ड हैवी का नहीं है, यहाँ पे ये नहीं कहा कि लाइट बॉडी जो है वो हैवी बॉडी से टकरा रही है, यहाँ पे कहा गया कि लाइट बॉडी जो है वो मैसिव बॉडी से टकरा रही है। तो फिजिक्स में हैवी कहते हैं भारी चीज को, लेकिन मैसिव कहते हैं जो चीज बहुत ज्यादा भारी हो। तो चूंकि यहाँ पर M1 जो है वो वेरी वेरी लेस देन M2 है, ये बहुत कम है और ये बहुत ज्यादा है, therefore M1 is neglected, लिहाजा हम M1 को neglect कर देंगे, और neglect करने का मतलब है कि हम M1 की जगह पे zero रखें, और U2 की जगह हम zero इसलिए रखेंगे क्योंकि आगे वाली जो बॉडी है वो रेस्ट में है। तो अब हमें यहाँ पे दो चीजें पुट करनी है फॉर्मूले में, जहां पर M1 आएगा उसकी जगह zero रखा जाएगा और M2 अपनी जगह वैसे ही मौजूद रहेगा, और जहां पर U2 आएगा उसकी जगह जीरो रखा जाएगा और U1 वैसे ही मौजूद रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने V1 के फॉर्मूले में देखिए कि जहां पर M1 है, देखिए M1 को जीरो रखा यहाँ और नीचे भी जीरो रखा, और जहां M2 है वो अपनी जगह मौजूद है, ये भी अपनी जगह मौजूद है, ये वाला M2 भी अपनी जगह है, और जहां पर U2 आ रहा है उसकी जगह देखिए जीरो रखा, और जहां U1 है वो एज इट इज अपनी जगह मौजूद है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि देखिए, जब जीरो माइनस होगा M2 से तो यहाँ बचेगा माइनस M2, और नीचे जब जीरो प्लस होगा M2 में तो नीचे बचेगा M2, और ये जीरो जब 2M2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो तो आपका ऐड हो गया, खत्म हो गया। अब ये माइनस का जो M2 है, जब U1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा माइनस U1M2, और नीचे एक M2 मौजूद है तो M2 से M2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह आपका जो फाइनल आंसर आएगा V1 का, वो आएगा माइनस U1,
और इसी तरह मैं आपको v2 भी दिखा देता हूँ। v2 देखिए आप, v2 में भी ऐसे ही किया है, v2 भी देख लें आप, v2 भी देख लीजिए, इसमें भी देखिए ऐसे ही किया है कि इसमें यहाँ u2 आ रहा है, ये u2 की जगह 0, और ये देखिए u1 एज इट इज मौजूद है, और ये देखिए यहाँ पे m1 आ रहा है ये 0, नीचे ये m1 आ रहा है ये 0, और बाकी देखें ये m1 आ रहा है यहाँ पे ये 0, और जहां m2 मौजूद है ये m2 और ये m2 अपनी जगह मौजूद है, ठीक है जी। तो अब जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए m2 में से 0 माइनस होगा तो m2 बचेगा, और यहाँ पे ये 0 जब 2 और u1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, और नीचे 0 में प्लस m2 करेंगे तो m2 बचेगा, ठीक है जी। अगले स्टेप में जाएंगे, जब ये m2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, और आगे एक और 0 मौजूद है और नीचे m2 है, ये दोनों 0 ऐड होंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय m2 होगा, तो 0 को m2 से डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर आपका जो v2 का होगा वो इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो आप मुझे रिप्लाई कर दें कि आपको समझ आया। और आयशा ने एक सवाल किया है कि m1 तो बिफोर कोलिजन मोशन में है तो 0 वैल्यू क्यों है? नहीं बेटा, m1 बिफोर कोलिजन मोशन में है ना, तो वो उसकी वेलोसिटी का ताल्लुक तो u1 से है, m1 से नहीं है, m1 तो मास है उसका, m1 तो मास है, तो m1 को इसलिए 0 रखा है कि जो पहली बॉडी का मास है वो दूसरी बॉडी से बहुत कम है, ठीक है, और वो मोशन में है तो उसका ताल्लुक तो उसकी वेलोसिटी से होगा, सही है ना, तो u1 की जगह तो हमने u1 ही रखा है। समझ आई आपको बात? आयशा आपको समझ आ गई बात? आयशा खुर्रम ने ये सवाल किया था। हाँ जी आयशा आपको बात समझ आई? ठीक है, चलिए जी आप लोग काम करें, 5 मिनट दे रहा हूं आपको, ठीक है जी। आप लोगों के पास 5 मिनट्स हैं, करें ये काम। इस केस में आपको फिगर भी बनानी पड़ेगी, जो फिगर मैंने बनाई है वो बनाएंगे आप, बगैर फिगर के काम नहीं होगा इसमें।
हाँ भाई, मुझे एक दो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमने कर लिया है, तो बाकी लोग भी कर लें कि चलते हैं आगे। बेटा जो दो बच्चों ने कर लिया थोड़ा वेट कर लें, बाकी लोग कर लें तो हम आगे चलते हैं। हाँ ठीक है, आयशा कह रही है वेट। हाँ बिल्कुल, जब तक सब नहीं कर लेंगे, मैं बिल्कुल, जो लोग काम कर रहे हैं बिल्कुल ईजी होके काम करें, जब सब लोग करेंगे तो आगे जाऊंगा। ठीक है, जिन्होंने कर लिया है वो थोड़ा वेट कर लें, या जिन्होंने कर लिया है वो एक काम करेंगे, वी टू को खुद करने की कोशिश करें। मैं नेक्स्ट स्लाइड आपको दिखाऊंगा, जब तक आप V2 खुद करने की कोशिश करें। ठीक है भाई, आगे जाता हूँ, काफी लोगों ने कर लिया है। ठीक है, अच्छा मुझे वजिया कह रही है कि V2 भी कर लिया, अच्छी बात है, गुड, वेरी गुड। ठीक है, आपका आंसर सही आया है। ठीक है, गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, काफी लोग कह रहे हैं कि हमने कर लिया खुद, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। चलिए अभी K4 आपसे सॉल्व करवाते हैं। अब K4 आप लोगों को मैं करवाता हूँ, अभी ये कंप्लीट कर लें, फिर K4 का स्टेटमेंट आपको बताते हैं, फिर वो आप करके बताइएगा। हाँ भाई आगे चलें। हाँ अच्छा, आमना अकरम कह रही है वेट। ठीक है ठीक है, आमना आप कर लें, वेट कर रहे हैं हम। किंजा कह रही है कर लिया, लेकिन आमना अकरम अभी कर रही है तो हम वेट करते हैं। अच्छा काफी लोग कह रहे हैं कि सही आंसर आया है। ठीक है, निशा कह रही है आंसर ठीक है। हाँ भाई आमना आप बता दें आपने कर लिया तो हम आगे जाएं। ठीक है चलते हैं आगे। ठीक है जी, अच्छा जी, K4 का भी स्टेटमेंट देखें, तो अब ये आपसे करवाते हैं अभी इसको सॉल्व, लेकिन आपको जरा पहले समझा दें। देखें, अगर आप K4 देखें तो ये K3 का रिवर्स है, उलट है। केस वन में क्या था, पहली बॉडी बहुत हल्की थी, दूसरी बहुत भारी थी। यहां पर क्या हो गया, उल्टा हो गया। व्हेन अ मैसिव बॉडी कोलाइड्स विद अ लाइट बॉडी एट रेस्ट, अब क्या हो गया कि पहली बॉडी बहुत ज्यादा हैवी है और दूसरी बहुत ज्यादा लाइट है। बाकी U2 जो जीरो है वो तो वैसे ही रहेगा, यानी दूसरी जो बॉडी है रुकी हुई है, तो वो U2 अपनी जगह जीरो है। फर्क सिर्फ किस में आया, मास में आया। पहले क्या था, K3 में M1 बहुत कम था और M2 बहुत ज्यादा था। अब केस फोर में उलट हो गया, अब केस फोर में M1 कम नहीं है, अब M2 बहुत कम है। अब M2 बहुत कम है किसके मुकाबले में, M1 के मुकाबले में। तो क्या आया, सिंस M2
is very very less than m1, therefore m2 is neglected and we put m2 equal to 0. तो केस 3 में हमने m1 को 0 पुट किया था क्योंकि केस 3 में m1 बहुत कम था m2 के मुकाबले में, लेकिन केस 4 में हम m2 को 0 पुट करेंगे क्योंकि यहां m2 बहुत कम है m1 के मुकाबले में। बाकी जो u2 0 रखा था वो यहां पर भी वैसे ही रहेगा क्योंकि यहां पे आगे वाली बॉडी रुकी हुई है, पहले भी ऐसे ही था, भी ऐसा ही है। तो अब ये मैं आपसे कहता हूं कि जरा सॉल्व करें, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले आप यहां पुट करके आंसर निकालने की खुद कोशिश करें, फिर हम आपको आंसर बताएंगे, फिर आप चेक करें कि आपने ठीक किया नहीं किया। तो आप ये स्टेटमेंट नोट कर लें, ये बना लें, ये लिख लें और उसके बाद इसमें पुट करके जरा इसका आंसर निकालने की कोशिश करें, ठीक है ना। आपको टाइम देता हूं मैं 2-3 मिनट का, करें इसे। अच्छा निशा कह रही है सर ऐसे नहीं लिख सकते थे कि m1 is greater than, हाँ वो भी कर सकती हैं आप, ऐसे भी लिख सकती हैं कि m1 is very very greater than m2, वो भी एक ही बात है, लेकिन neglect तो आपको उसी को करना है जो कम है, चाहे आप ऐसे लिख लें चाहे वैसे लिख लें, कम तो m2 ही है तो neglect आपको m2 को ही करना है, ठीक है। अच्छा मुझे राहिमा ने आंसर बताया है, तो राहिमा आपका आंसर जो है वो ठीक है, आपका आंसर ठीक है राहिमा, आपका B1 का आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है तो जो लोग अगर पहले V1 कर लेंगे ना फिर वो आगे भी करें, फिर वो V2 भी करें, दोनों निकालनी है वैल्यूज, पहले V1 कर लें फिर V2 कर लें। अच्छा मुझे आंसर लोग बता रहे हैं, मैं अभी बताता हूँ किस किस का आंसर ठीक है। अच्छा देखिए मुझे मुझे आंसर बताया है वजीहा ने, वजीहा का आंसर ठीक है, आयशा का आंसर ठीक है, और इसके बाद आयशा खुर्रम का आंसर ठीक है। आयशा मुस्कान आप अपने आंसर को चेक करें, और किंजा किंजा आबिद का आंसर ठीक है, आयशा मुस्कान आप अपना आंसर चेक करें, कहीं ना कहीं आपने कोई एरर किया है, प्लस माइनस की कहीं कोई गलती की है चेक करें। आमना करम का आंसर ठीक है,
जोहा सईद का ठीक है आंसर, अनुषा सहर का आंसर ठीक है, आमना का वो किसको मैंने कहा था, आयशा मुस्कान को कहा था मैंने। आयशा मुस्कान आप चेक करें कहीं आपने को गड़बड़ की है, चेक करें। जो लोग सब वी वन कर चुके हैं वो आगे वी टू करें जरा। अच्छा अब और मुझे किसने क्या कहा, और वजीहा का आंसर ठीक है, वी टू का आंसर जो है वो वजीहा का ठीक है, और आयशा सना का आंसर दोनों ठीक है, और आयशा मुस्कान का आंसर अब ठीक है। आयशा मुस्कान अब आपका आंसर वी वन का ठीक है, अब सही है, और निशा का आंसर ठीक है, पहला आंसर वी वन का सही है, वी टू करें। जो लोगों ने भी वी वन कर लिया वो वी टू करें, अभी तक सबका आंसर अब ठीक है, सबने जो बताया ठीक है, वी टू निकालो। ये टाइपिस्ट की एक हफ्ते की छुट्टी है, बारिश आया जा रहा है, ऐसे में हमारा तो बहुत लंबी टाइम अच्छा जी, मारेबा का आंसर वी टू का ठीक है, आमना अकरम का वी टू का आंसर ठीक है, अब मैं वी वन का आंसर यहां शो कर रहा हूं, तो अगर किसी को कुछ देखना है तो इसमें से देख लें। ये वी वन का आंसर मैंने निकाला है यहां पे, अगर किसी को देखना है इसमें से तो देख लें। और अनुषा सहर का आंसर वी टू का ठीक है, आप लोग माशाल्लाह ठीक कर रहे हैं, काफी हद तक सही कर रहे हैं आप लोग, गुड, वेरी गुड। जिसको वी वन देखना है देख ले, फिर मैं अगले पेज पे आपको वी टू भी दिखा देता हूं, काफी लोगों ने तो निकाल ही लिया है, लेकिन अगर कोई कर रहा है चेक करना है तो आप चेक कर लें। किंजा आबिद का आंसर वी टू का ठीक है, किंजा आपका आंसर ठीक है वी टू का। ये मैंने वी टू का आंसर भी शो कर दिया है, लेकिन मुझे हुमा बतूल का वी टू का आंसर सही है, जहरा असगर का वी टू का आंसर सही है, जोहा सईद का वी टू का आंसर सही है, जोहा सईद, हुमा बतूल, जहरा असगर, आप तीनों के आंसर ठीक हैं, बाकी लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर कोई रह गया है तो आप वी टू चेक कर सकते हैं, फिर मैं आगे जाऊंगा। अब आप मुझे ओके करेंगे कि आपने काम कर लिया है तो मैं आगे चलूंगा। ये केसेस हमारे कंप्लीट हो गए, चार केसेस थे, चारों हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है जी, आप लोग ओके कर रहे हैं तो मैं आगे जा रहा हूं। कोई रह गया है, इफ समवन इज स्टिल वर्किंग, इफ समवन इज लाइंग बिहाइंड प्लीज टेल मी, अदरवाइज आई एम मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, ठीक है, वी आर मूविंग फॉरवर्ड। और निशा कहती है सर सही आ रहा है, ठीक है आंसर, ठीक है आपका भी सही आ गया, ठीक है, तो हम आगे चलते हैं बेटा। अब हमारा
मुझे किसी ने और मैसेज किया है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेंशन इन स्ट्रिंग। बहुत आसान, वेरी सिंपल, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आने वाला टॉपिक है, 4 मार्क्स में आएगा। आपसे कहेंगे भाई टेंशन इन स्ट्रिंग को डिफाइन करें और इसका फॉर्मूला बताएं और इसकी यूनिट बताएं। तो बहुत ही आसान है, आपने मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है, तो एक तरह से आपके लिए रिपीट हो जाएगा। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, आप सब जरा देख लें इधर। आप कोई भी रॉड ले लें, कोई सपोर्ट ले लें, उसके साथ एक रस्सी बांधें, और रस्सी बांधने के बाद कोई बॉडी जो है वो उसके साथ बांध के लटका दें। जैसे ये बॉडी है, आपने बांध के लटका दी, ठीक है जी। तो जब ये बॉडी आप रस्सी के साथ बांध के लटकाएंगे तो इस बॉडी का वेट नीचे एक्ट करेगा, W इज इक्वल टू mg, ठीक है भाई। अब वेट क्या है? वेट एक फोर्स है, वेट वो फोर्स है जिसके जरिए जमीन किसी चीज को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करती है। तो इस वेट की वजह से जमीन इस बॉडी को नीचे की तरफ खींचेगी। बॉडी बंधी हुई है रस्सी से, इसका मतलब है कि जब बॉडी नीचे की तरफ खींचेगी तो रस्सी नीचे की तरफ खींचने लगेगी। तो अब बात बड़ी आसान हो गई कि जब भी किसी बॉडी को किसी रस्सी से बांध के लटकाया जाएगा तो उसके वेट की वजह से जो रस्सी है, जो स्ट्रिंग है, वो नीचे की तरफ खींचेगी, तो एक फोर्स नीचे की तरफ लगेगी, और वो फोर्स क्या है? वो फोर्स है वेट। ये हो गई एक्शन फोर्स। तो इसके जवाब में रस्सी जो है वो बॉडी को उतनी फोर्स से ऊपर खींचने लगेगी और उसको टेंशन इन स्ट्रिंग कहा जाएगा। तो बेसिकली जो टेंशन इन स्ट्रिंग है वो एक रिएक्टिव फोर्स है, एक रिएक्शन की फोर्स है। किसका रिएक्शन है? वेट का रिएक्शन है, कि जब भी किसी बॉडी को रस्सी से बांध के लटकाया जाएगा, या रस्सी आप अपने हाथ में पकड़ लें या किसी चीज के साथ बांध के लटका दें, तो उस बॉडी के वेट की वजह से जो बॉडी है वो रस्सी को नीचे की तरफ खींचेगी। रिएक्शन के तौर पे जो रस्सी है वो बॉडी को उतनी ही फोर्स से ऊपर की तरफ खींचेगी, तो उसको टेंशन इन स्ट्रिंग कहेंगे। तो चूंकि एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं, ये एक्शन है और ये रिएक्शन है, लिहाजा टेंशन इन स्ट्रिंग जो है वो हमेशा बॉडी के वेट के इक्वल होगी। और चूंकि W इज इक्वल टू mg होता है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि टेंशन इक्वल टू W होगी या टेंशन इक्वल टू mg होगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है। और अगर आप इसकी यूनिट पे जाएं, यानी मेजरमेंट पे जाएंगे, टेंशन को मेजर कैसे करेंगे, किस यूनिट में मेजर करेंगे, तो देखें जो वेट की यूनिट होगी वही टेंशन की यूनिट होगी। तो सिस्टम इंटरनेशनल में जो वेट है वो न्यूटन में होता है, तो टेंशन भी न्यूटन में हो जाएगी, ठीक है जी। एक आखिरी बात मैं आपको ये बताऊं कि टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी। देखिए, डायरेक्शन का मामला ये है कि अगर रस्सी के नीचे वाले हिस्से में देखें और रस्सी के ऊपर वाले हिस्से में देखें तो टेंशन की डायरेक्शन में फर्क होता है। जो रस्सी का नीचे वाला हिस्सा है उसमें तो टेंशन ऊपर की तरफ है, लेकिन रस्सी का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें टेंशन नीचे की तरफ होती है। उसकी वजह क्या है? देखिए, जिस चीज से आपने रस्सी को बांधा हुआ है, या फर्ज कर लें कि रस्सी को आपने हाथ में पकड़ा हुआ है, तो अगर आपने फर्ज कर लें रस्सी को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, तो बॉडी जब अपने वेट की वजह से नीचे जाने की कोशिश करेगी तो आप अपने हाथ से जरा ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे ताकि आपका हाथ नीचे ना जाए। या जिस चीज से भी आपने रस्सी को बांधा हुआ है, जब वेट नीचे की तरफ खींचेगा, रस्सी नीचे की तरफ जाएगी, तो ये चीज रस्सी को ऊपर की तरफ खींचेगी। तो इसका मतलब है कि रस्सी का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें रस्सी जिस चीज से भी बंधी हुई है या हमारे हाथ में पकड़ी हुई है, तो एक्शन फोर्स ऊपर की तरफ है। तो उसके जवाब में जो रिएक्शन फोर्स है, यानी टेंशन, वो नीचे की तरफ हो जाएगी। तो ये बात याद रखिएगा कि किसी भी रस्सी में टेंशन की डायरेक्शन सेम नहीं होती। रस्सी के नीचे वाले हिस्से में टेंशन ऊपर की तरफ होती है और रस्सी के ऊपर वाले हिस्से में टेंशन नीचे की तरफ होती है। क्यों? इसलिए कि रस्सी के नीचे वाले हिस्से में एक्शन फोर्स नीचे की तरफ है, यानी वेट, तो रिएक्शन ऊपर की तरफ है। और रस्सी के ऊपर वाले हिस्से में जिस चीज से रस्सी को बांधा हुआ है या हमारा हाथ है, वो चीज या हमारा हाथ रस्सी को ऊपर की तरफ खींचना चाह रहा है, तो एक्शन फोर्स ऊपर की तरफ है, तो जो रिएक्शन है वो नीचे की तरफ हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो सारी चीज मैंने आपको समझाई है, देखिए ये यहाँ पे मेंशन की हुई, आप इसको जरा समझते हैं, तो उसके बाद आपको टाइम देते हैं नोट करने का, लेकिन ये सब वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको भी समझाया, ठीक है जी। तो इसको जरा आप देख लें। देखिए, हमने क्या कहा है कि व्हेन अ बॉडी इज हैंग्ड बाय मींस ऑफ अ स्ट्रिंग, देन इट्स वेट पुल्स द स्ट्रिंग डाउन एज अ रिएक्शन, स्ट्रिंग पुल्स द बॉडी अप विद एन equal force which is called tension in string and denoted by T. यही मैंने आपको समझाया। अगली बात भी मैंने आपको समझा दी। Magnitude of tension remains same at all the points on a string, but direction is different. For example, if we keep the string in our hand, then near to hand tension will be downward as our मैंने गलती से यहाँ पे end लिख दिया, ये H भी आएगा, end आएगा,
एज अवर हैंड ट्राइज टू पुल द स्प्रिंग अप। तो मैंने आपको ये पूरी बात भी समझा दी और मैंने आपको ये भी समझा दिया। ये फिगर आप देख सकते हैं, ये टेंशन यहाँ ऊपर की तरफ है और ऊपर वाले हिस्से में देख सकते हैं आप टेंशन नीचे की तरफ है और ये वेट इसका डाउनवर्ड है। फॉर्मूला भी मैंने आपको समझा दिया कि टेंशन इन स्प्रिंग वेट के इक्वल होगा या एमजी के इक्वल होगा। और मेजरमेंट यानी जो इसकी एसआई यूनिट है किस यूनिट में मेजर करेंगे, तो मेजरमेंट इसकी न्यूटन में होगी। तो ये टॉपिक शॉर्ट में आता है जिसमें आपको इसकी डेफिनेशन बतानी है और इसकी डायरेक्शन के बारे में बताना है और इसका फॉर्मूला बताना है और यूनिट बतानी है और आपको ये फिगर भी बनानी होगी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, मुझे जरा रिप्लाई कर दें, क्लियर है आप लोग? हाँ बेटा क्लियर है आप लोग, ठीक है मुझे रिप्लाई आ रहा है सबका, क्लियर है, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है बिल्कुल सही है। तो अब क्लास खत्म होने में 6 मिनट बाकी हैं बेटा, क्लास खत्म होने में 6 मिनट बाकी हैं। अब इन 6 मिनट में आपको ये काम करना है, इस काम के बाद आज की क्लास कंप्लीट हो जाएगी, कल मैं इसके आगे से स्टार्ट करूंगा। तो आप काम करना शुरू कीजिए, आपके पास है 6 मिनट, स्टार्ट।
अच्छा बेटा, जो लोग मुझे कह रहे हैं हमने कर लिया, राहिमा और किंजा मुझे कह रही है कर लिया है, तो जो लोगों ने कर लिया है वो बिल्कुल लीव कर सकते हैं इंशाल्लाह, फिर कल आपसे मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज। जो लोग कर रहे हैं वो कर लें, अभी आपके पास 2-3 मिनट है। ठीक है जी, जो लोगों ने कर लिया है वो बिल्कुल लीव कर सकते हैं, अल्लाह हाफिज। जो कर रहे हैं आपके पास 2 मिनट रह गए, 2 मिनट के अंदर आप लोगों ने करना है बेटा। ठीक है, आमना अकरम ने कर लिया, निसा ने कर लिया, आयशा ने कर लिया। ठीक है बेटा, बिल्कुल अल्लाह हाफिज, आप जा सकते हैं। जो लोगों ने कर लिया वो जा सकते हैं, अल्लाह हाफिज। ठीक है, मारेबा ने कर लिया, ठीक है, हुमा बतूल ने कर लिया। ठीक है बेटा, आप लोग बिल्कुल लीव कर सकते हैं जिन्होंने कर लिया, अल्लाह हाफिज। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। ठीक है, मुस्कान ने कर लिया, ठीक है, ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। जो जो कर रहे हैं वो जा सकते हैं, अल्लाह हाफिज। जो लोग रह गए बेटा जरा जल्दी कर लें, टाइम बहुत कम है, जो रह गए कर लें। जो बच्चे रह गए फटाफट कर लें बेटा, आई एम जस्ट लीविंग, मैं जा रहा हूं, आपके पास आखिरी 10 सेकंड है बेटा, लास्ट 10 सेकंड्स, मैं जा रहा हूं, आई एम जस्ट लीविंग, लास्ट 10 सेकंड्स।